में हम बात करेंगे कोरियर फॉर्म के बारे में, इसको कैसे फिल किया जाता है। BLS इंटरनेशनल में स्पेन वीज़ा की अगर हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो हमें दो ऑप्शन देते हैं कि आफ्टर सबमिशन फाइल कंप्लीट हो जाती है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप पासपोर्ट यहीं से कलेक्ट करोगे या फिर कोरियर मंगवाओगे। तो कोरियर के लिए आपको क्या है कि एक रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कैसे किया जाता है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको देखेंगे कि अब इस तरीके का फॉर्म होता है, तो इसमें BLS इंटरनेशनल ऊपर लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे डिटेल्स आपसे मांगता है कि कौन से एड्रेस पे डिटेल क्या फिल करनी है और कौन से एड्रेस पे कोरियर को सेंड करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मांग रहा है पासपोर्ट नंबर। आपको अपने न्यू पासपोर्ट जो भी आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो और अपने पासपोर्ट का नंबर डालना है इसमें, और उसके बाद है फर्स्ट नेम। सम टाइम क्या होता है कि किसी के फर्स्ट नेम में ही सारा नाम लिखा हुआ है, सपोज करो अक्षय कुमार लिखा हुआ है तो आपको अक्षय कुमार फर्स्ट नेम में ही लिखना है। पासपोर्ट में दो ऑप्शन होते हैं गिवन नेम एंड सरनेम, और सरनेम में जो है वो लास्ट नेम में लिखना है, और अगर सरनेम में कुछ नहीं है तो लास्ट नेम को ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट में आता है कि कंपनी नेम। कंपनी नेम में आपको जरूरी नहीं है, आप कंपनी में आप अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हो, आप हाउस नंबर भी डाल सकते हो, अगर आप कंपनी में कुछ भी है XYZ इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस अपने कंपनी का नेम भी लिख सकते हो। डिपार्टमेंट नेम अपनी डेजिग्नेशन डाल सकते हो, और अगर घर पे है तो अपना प्रॉपर एड्रेस डाल दो, लाइक नियर शिव मंदिर, आपके भाका ये कोड क्या है, एक्सटेंशन नंबर जिसको बोलते हैं 0 80 वगैरह। और उसके बाद आपसे पूछता है बिल्डिंग नेम, जैसे आजकल फ्लोर सिस्टम चले हुए हैं, बिल्डिंग का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सिंह टावर है, कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी है। और स्ट्रीट नंबर, सिटी है पानीपत, स्टेट हरियाणा, पिन कोड 132 103। इसके बाद आपसे एक ऑप्शन और लेता है ये कि इन केस ऑफ नॉन सर्विसेबल लोकेशन, कि जहाँ पर ब्लू डार्ट का कोरियर ही नहीं जाता, मैं एग्री करता हूँ कि उस सिचुएशन में मैं इनके मेन सेंटर से अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे SMS सर्विस का ऑप्शन आता है, आपको SMS सर्विस लेनी है तो यस कर दीजिए। जैसे ही कोरियर निकलेगा तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आपका कोरियर डिस्पैच हो चुका है, और अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, वो आपसे कॉन्टैक्ट टच में आ जाता है कि आपका कोरियर आ चुका है आपकी लोकेशन जानने के लिए, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है उसको। उसके बाद नीचे लाइन में लिखना होता है ये आई, ये यहाँ पे ब्लैंक होता है, अपना नाम लिखना है आई अक्षय होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर, जैसे पूरा नाम था अक्षय कुमार तो आपको यहाँ पे अक्षय कुमार फिल करना है, आई अक्षय कुमार होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर W जो भी है अपना पासपोर्ट में देके डिलीवर माई पासपोर्ट एट दिस एड्रेस एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर में यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है और यहाँ पे प्लेस। बस दोस्तों इतना छोटा सा सिंपल फॉर्म है ये, आपको फिल करके साइन करके वहाँ पे सबमिट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद वो आपको इस जो भी आप एड्रेस में फिल करोगे उस एड्रेस पे आपको सेंड कर दी जाएगी ये पासपोर्ट एक पैकेज बनाकर। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।